अनलॉक के पहले दिन जमीनी हकीकत को जानने सड़कों पर अपने लाव लश्कर के साथ साइकिल से निकले डीएम। आज से पूरा देश अनलॉक है और इसका ये पहला दिन है। स्थानीय प्रशासन ने शर्तों के साथ बाजार खोलने का आदेश दिया तो बाजार खुल भी गए। अपने आदेशों की हकीकत जानने के लिए रामपुर डीएम साइकिल पर अपने लाव लश्कर को लेकर रामपुर की सड़कों पर निकले और हकीकत जानने की कोशिश की। उन्होंने इस दौरान सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की सलाह भी दी। पूरे देश में आज अनलॉक का पहला दिन है। भारत सरकार और प्रदेश सरकारों ने अपने अपने गाइडलाइन जारी किए हैं, उसी को अमली जामा पहनाने के लिए जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उसी के तहत आज सभी दुकानें व बाजार खोले गए और शर्तों के साथ ही बाजार गुलजार होने लगा। लेकिन इस हकीकत को जानने के लिए कि किस तरह से स्थानीय प्रशासन का आदेश का पालन हो रहा है, डीएम रामपुर साइकिल से अपने सहयोगियों के साथ रामपुर की सड़कों पर उतरे। उन्होंने जगह जगह लोगों को मास्क दिया और दुकानदारों को दुकान खोलने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी निर्देश दिया। आज साइकिल से बाजार में निकलने के कुछ उद्देश्य थे। एक तो यह है कि हम कोरोना के संक्रमण काल में भी धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और दुकानों को खोल रहे हैं। कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सब का कारण एक ही है कि आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, सारे लोग सुरक्षित रहें, और इसके लिए कुछ उपाय करने जरूरी हैं। बाजार में जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, सकरे बाजार हैं, वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएँ जरूरी हैं, उसके हिसाब से हमने की हुई है। तो अगर हमने बैरियर लगाया हुआ है तो बैरियर लगाने का उद्देश्य यह है कि केवल पैदल खरीदारी करने जाएं और अपने वाहन को पार्किंग स्थल में डाल दें। और पार्किंग स्थल हमने बनाए हुए हर जगह के, जहां पे आपको पार्किंग की वहां पे वाहन ले जाने की अनुमति भी दी हुई है, वहां वाहन बेतरतीब में खड़े करें, सीधे खड़े करें, और साइकिल से आप हर कहीं जा सकते हैं। ये बताने का उद्देश्य था। सबसे बड़ी बात कि मास्क का सही इस्तेमाल करें, या तो गमछा चेहरे पर बांधें, लेकिन जो गमछा आज इस्तेमाल किया उसको कल इस्तेमाल न करें, कल धुलने को दे दें। गमछा भी आपके पास कम से कम 3 होने चाहिए ताकि आप धुल के लगातार इस्तेमाल कर सकें। कपड़े का मास्क लगाएं, कपड़े का मास्क बहुत महंगा भी नहीं है, आप 3 या 4 मास्क रख सकते हैं। जो मास्क आज लगेगा वो कल नहीं लगेगा, आज धुल जाएगा, कल पूरे दिन धूप में सूखेगा और फिर परसों लगेगा। इतने के हिसाब से चेहरा अपना कवर करके रखना इतनी भी कठिन काम नहीं है। जब मैं चेहरा अपना कवर करके वो भी N95 मास्क से अगर 2 घंटे लगातार साइकिल चला सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम है गर्मी में। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना हमारे जीवन में पहली बार आया है, हमारी आदतों के विपरीत है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें अपनी आदतों में शुमार करनी होगी। आप सबसे अपील है कि आप सहयोग करें, पुलिस प्रशासन के डर से भाग भाग कर रही, अफरा तफरी मचा कर रही, आप लगातार हम अपील कर रहे हैं अपने चेहरे को पूरा कवर कर रखें, लेकिन रुमाल से नहीं, वो काले वाले मास्क से नहीं, वो सुरक्षित नहीं है। कपड़े के मास्क से, गमछे से, दूरी बस बनाए रखें। हमारी कोशिश है कि दुकानें लगातार चलती रहें, जनजीवन सामान्य की तरफ रहे और हम सुरक्षित भी रहें। कोरोना के साथ सुरक्षित रहते हुए हम नॉर्मल जीवन में लौटे हमारी कोशिश होनी चाहिए, और बिना आपके मदद के ये संभव नहीं होगा। कृपया हमारी मदद करें।